हेलो सो, आप देख रहे हैं एफके गुरु चैनल। दोस्तों, एक सवाल आया है कि अजोला के बारे में। एक सवाल आया हुआ लगभग उसमें 10-15 आदमी पूछे हुए हैं कि अजोला को कैसे देना चाहिए, बकरी को या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो क्या है। तो इसी से मैटर मैं आपको बताऊंगा। इसी सोचा मैं एक वीडियो बना दूँ इस पर। तो दोस्तों, इससे पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से रेड बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि जो भी हमारा नया वीडियो होगा आपको पहुँच जाएगा। और इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। आपका भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोशिश किया जाएगा जल्दी से आपका आंसर दिया जाए। तो दोस्तों, अजोला जो है एक आपको हरा चारा है की तरह ये है, मगर उसको पानी में उगाया जाता है और ये पानी में उगता है। तो दोस्तों, इसको लगाने का तरीका ये है कि दोस्तों आप पानी में लगभग 6 इंच लगभग पानी तो कम से कम चाहिए, उसके अंदर आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपको पूरा डिटेल देखना है कैसे लगाना है, कैसे निकालना है, तो आप यूट्यूब पर जाकर अजोला सर्च कीजिए और आपको सब उसमें बताया जाएगा। हिंदी में ही वीडियो बहुत है, आपको बताया जाएगा कैसे लगाना है। मगर हाँ, बात हमको हमसे सवाल हुआ है कि बकरी को देना है या नहीं देना है। तो अजोला दोस्तों गाय को भी देते हैं, बकरी को भी देते हैं, मुर्गी को भी देते हैं। बस ये है कि सिस्टम थोड़ा अलग है। आप अगर बकरी को दे रहे तो हरा मत दें, जैसे कि पानी से हम निकाले, पानी से निकालने के बाद से उसी तरह गीला है या फिर हरा ना दें। इसको आप क्या कीजिए, पानी से पूरा गार कर उसके बाद उसको धो दीजिए। धोने के बाद से उसको एक दो पानी धो दीजिए। धोने के बाद इसको अच्छी तरह से धूप में सुखा दीजिए। सुखा के इसको आप बकरी को दे सकते हैं और इससे क्या होगा, बकरी को नुकसान नहीं करेगा। गाय का तो आदमी पानी से निकाल कर उसको धोकर उसको आदमी या भूसा में हो गया या ऐसे आदमी दे देता है। ज़्यादा करके आदमी जो हरा चारा जो भूसा में मिलाता है वहीं पे अजोला को मिला देता है, क्योंकि इसमें जो है कैल्शियम प्रोटीन हर चीज़ इसमें पाया जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जो जो बकरी को चाहिए, गाय को चाहिए, उसमें पाया जाता है, जिससे आपको चारा या दाना जो देते हैं उससे आप कमी कर सकते हैं। मान लीजिए आप चोकर दे रहे उसमें अजोला मिला दीजिएगा तो भी वो गाय खा लेती है। तो इसी तरह आप बकरी को भी मिक्स करके दे सकते हैं, मगर सूखा दीजिए, क्योंकि बकरी को नुकसान नहीं करेगा। बहुत से किसान जो है जो मुर्गी फार्म जो करें वो भी छोटा सा एरिया में लगा कर वो मुर्गी को अपने थोड़ा सा देते हैं, क्योंकि मालूम आपको बहुत सी मुर्गी तो हरा घास या हरा चारा खाती है, तो वो भी लोग वहाँ पर देते हैं, उससे क्या होता है उसका दाना की बचत थोड़ा होता है। तो यही एक वीडियो था दोस्तों। ये समय सोचा कि आपको सवाल आ रहा था, मैं बता दूं। इसमें जो भी आपका भी कोई कमेंट हो तो आप सवाल जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो भाई डिटेल आप जाकर देखना है तो अजोला का बारे में आप जाके देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए अजोला और वहाँ पे मिलेगा आपको। रहा बात खरीदने के लिए, तो आप अमेजोन पर भी खरीद सकते हैं या इंडिया मार्ट के वेबसाइट पर भी जाकर आप इसको खरीद सकते हैं। आपको पता चलेगा कहाँ से लेना है, क्या है, सब आपको पता चल जाएगा। तो आप इसको कीजिए और इससे आपको फ़ायदा भी होगा, बहुत बेनिफिट है इसमें, जो कि इसमें हर चीज़ तत्व जो है पाया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, बकरी के लिए भी फायदेमंद होगा, गाय के लिए भी, मुर्गी के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।